खूबसूरत से प्रांगण में जिंदगी इंद्रधनुषी घेरा है, कहीं रात कहीं सवेरा है। जिंदगी की पगडंडी पर चलकर देखें तो दूर तक बस एहसास का ही बसेरा है। जी हाँ दोस्तों, और ये जो सबसे प्यारा और खास एहसास है वो मोहब्बत का ही तो है। तभी तो हमारी जो फिल्में मौसीकी है वो मोहब्बत पर ही बुनियाद है उसकी। और आप जो देख रहे हैं हमारा आज का ये टाइटल सुरों का कारवां, जी हाँ ये सुरों का कारवां भी मोहब्बत के रास्ते से ही होकर गुजरने वाला है। तो चलिए आगाज करते हैं अपने कार्यक्रम का, लेकिन हम उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारे शो में यानी कि सुरों के कारवां में मुंबई शहर के दिग्गज मारूफ गुलकार शिरकत करने वाले हैं। वैसे वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि उनका नाम और उनका काम ही उनकी पहचान है। फिर भी मैं उनका नाम आपको बताना चाहूँगी, प्रियंका मित्रा, शैलजा सुब्रमण्यम, आलोक कटकरे जी, नानू गुर्जर,
आगाज करते हैं अपने कार्यक्रम का एक खूबसूरत से गीत से। फिल्म का नाम हावड़ा ब्रिज, संगीत ओपी नैयर साहब का, और इसे लेकर आ रही हैं प्रियंका मित्रा जी, जो कि बहुत सुरीला गाती हैं, चाहे फिर वो सूफी गीत हो या हो गजल या फिर हो कैबरे, सभी के साथ वो बखूबे निभाती हैं उन गीतों को। तो स्वागत करिए एक बार पुरजोर तालियों से प्रियंका जी का। Mm-hmm.
अंदाज वाकई लाजवाब था। चलिए बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। रफी साहब जो कि 5 वक्त के नमाजी थे, सच्चे आशिक रसूल थे, दीन में उनकी बेपनाह रगबत थी। शायद यही वजह थी कि उनकी आवाज़ में हमें कुदरती शराफत नजर आती थी। आइए उन्हीं की पाक आवाज़ में सुनते हैं एक संजीदा सा गीत, फिल्म का नाम गीत, और इसे लेकर आ रहे हैं एक ऐसे गुलकार जिनके अंदाजे गायकी ने सभी लोगों को दीवाना बना रखा है। जी हाँ, आप समझ चुके होंगे कि मैं किसका नाम लेने वाली हूँ। जी हाँ, अनिल वाजपेयी साहब। आवाज़ और नूतन जी की सादगी भरी खूबसूरती और बन पड़ा ये लासवाल गीत, फिल्म बंदनी से सुनते हैं ये गीत। संगीतकार एस जी बर्मन और अल्फाज शैलेंद्र जी के, और उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगी एक ऐसे गुलकारा को जिनको मंच पर गाते देखकर सभी गायिकाएं ये सोचती हैं काश मैं भी ऐसा गा पाती। मैं भी खुद ऐसा ही सोचती हूँ। आइए शैलजा जी, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जब नैना
गुलजार साहब और आड़ी बर्मन साहब ने जब जब साथ में काम किया, ऐसे गीत तख्लीक हो गए जो आज भी मौसीकी के जहां को मुनव्वर किए हुए हैं। ऐसे एक गीत फिल्म खुशबू से खुशबू बिखेरता हुआ, और इसे लेकर वो शख्स आ रहे हैं जो थोड़े चुलबुले से हैं, नटखट से हैं, लेकिन आवाज़ में गजब की कशिश है उनकी, तभी तो आजकल हर शो का हिस्सा होते हैं। पहचान गए आप? जी हाँ, आलोक कटकरे जी।
बहुत अच्छे अच्छे गीत पड़े हैं अभी अनिल जी के हिस्से में, आलोक जी के हिस्से में, आगे नए नए गीत सुनते रहिएगा। रिश्ते के अकेले तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रिश्ते के अकेले तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। जी हाँ, ये बात खुद कही मिर्ज़ा गालिब साहब ने मीर तकी मीर के लिए। मीर तकी मीर के कलाम से ही मुतासर होकर मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इसे एक नगमे की शक्ल दी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संवारा अपने संगीत से। तो फिल्म एक नज़र से आपके नज़र करते हैं ये गीत, और इसे लेकर आ रहे हैं अनिल वाजपेयी एंड प्रियंका जी। Good job.